हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में एक इमेजिनरी स्टोरी है एक इमेजिनरी विलेज की। इसके अंदर मोस्टली लोग जैसे गांव में काम करते हैं फार्मिंग, वैसी एक्टिविटी होती है, साथ साथ में अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट, पॉट मेकिंग एक्सेट्रा। अब जैसे कि एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है कि इसके पास एक विलेज है, पालनपुर के पास एक टाउन है और एक विलेज है, शाहपुर एंड रायगंज। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि रायगंज जो है सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और शाहपुर जो है जस्ट नियरेस्ट एक टाउन है। लोग कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट को वहाँ पर बेच कर लाइवलीहुड जीते हैं। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है लैंड, लैंड के बाद में लेबर, उसके बाद में कैपिटल जो आप लगाओगे, जो इनपुट के लिए जो पैसा आप लगाओगे दैट इज़ अ कैपिटल, एक तरह से संपत्ति होती है वो। यहाँ पे कैपिटल जो है वो कैपिटल राजधानी के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, मनी मैटर के लिए यूज़ हो रहा है। लास्ट इज़ योर ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, देन द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर एंड द लास्ट। सो अगर इसके अलावा भी और अगर हम देखें तो लेबर जो है वो दो तरह से डिवाइडेड होता है, स्किल लेबर एंड अनस्किल लेबर। वो लेबर जिसके पास एक नॉलेज है, स्किल है, दैट इज कॉल्ड स्किल लेबर। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक, या फिर जो मैकेनिकल उस प्रोसेस को ठीक कर देता है, जो पड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स को ठीक कर देता है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज है। अनस्किल्ड का मतलब वो लेबर जिसको नॉलेज नहीं है, जो एक नॉर्मल से नॉर्मल काम कर देता है, ठीक है, जैसे कि खेत में गड्ढा खोदना या फिर पानी को यहाँ से वहाँ ले जाना एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो दो तरह की कैपिटल है फिजिकल कैपिटल के अंदर। फर्स्ट वन इज फिक्स कैपिटल, वो सारी चीज़ें, वो सारा इनपुट जो आपने एक बार डाल दिया वो आपके बहुत टाइम तक काम आने वाला है, जैसे मशीन्स, बिल्डिंग, वो फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। वैसे ही दूसरा कैपिटल है वर्किंग, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, डेली बेसिस पे आपका जो काम है उसी पे बेस्ड होगा, जैसे कि मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं पैडी फील्ड का। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चन आर फॉर यू, आपको खुद करना है इन क्वेश्चन को। नाउ फार्मिंग इन पालनपुर, पालनपुर में मोस्टली जो मेन ऑक्यूपेशन है 75-80% लोग दे आर डिपेंड ऑन फार्मिंग। अब फार्मिंग क्या है, 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं एंड जो बेसिक कॉन्ट्रास्ट है वो है प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड जो है वो फिक्स्ड होती है, लैंड हमेशा ही फिक्स्ड होती है, वो ग्रो नहीं करती। लेकिन पहले क्या होता था, 1960 से पहले काफ़ी वेस्ट लैंड पड़ी थी खेतों के आसपास में, फॉरेस्ट लैंड एक्सेट्रा। अब फार्मर्स ने क्या कर दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में उनको भी ऑक्यूपाई कर दिया ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ठीक है। अब जैसे कि कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन में तीन तरह के क्रॉप्स हैं, जायद इसमें मिसिंग है, खरीफ बताऊंगा मैं आपको। खरीफ जो है वो रेनी सीजन में उसको सोन किया जाता है, तो बाजरा और जवार यहाँ पे ज़्यादा होता है जो कि कैटल फीड के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा अक्टूबर टू दिसंबर, जिसे रबी क्रॉप भी कहा जाता है, मोस्टली वीट आर सोन इन दिस पर्टिकुलर टाइम। अब इसके अलावा अब क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद में जो अनवांटेड लैंड्स हैं, जैसे कि आप देख लीजिए लैंड जो कल्टीवेशन है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली पोटैटो, शुगर केन, ये डिमांड में होती है, दीज आर द कमर्शियल क्रॉप्स। मल्टीपल फार्मिंग, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखें, एक ही पिक्चर एक ही खेत के अंदर अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो कर रखा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फार्मिंग। नाउ मेथड्स ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, अलग अलग मेथड है। अगर हम क्या मेथड में क्या होगा, सबसे पहले वेल डेवलप्ड इरिगेशन, इरिगेशन वेल डेवलप्ड होना चाहिए, प्रॉपर ट्यूबवेल होना चाहिए। उसके बाद में एक पर्शियन पील, पहले क्या होता था पर्शियन पी जो है व्हील यूज होता था, लेकिन आजकल वही काम ट्यूबवेल करता है,
थ्रू अ मैकेनिस्ट फोर्स। उसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेनली फार्म्स में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए यूज होती है विलेज पालनपुर के अंदर। ओके, अगर हम देखें जो मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड, उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाना ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। वहीं अगर हम बात करें पालनपुर के अंदर, मोस्टली लोग क्या करते हैं, पोटैटो, शुगर कैन ये ग्रो करते रहते हैं और इसको सर्कुलेट या फिर रोटेशन में वो ग्रो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उनकी जनरेट हो। मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग का मतलब जहाँ पे HYV सीड्स यूज हो रही है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, मशीनरी, जिससे प्रोडक्शन फास्ट और जल्दी ग्रो हो, उसको कहा जाता है मॉडर्न फार्मिंग। ये मॉडर्न फार्मिंग का कंसेप्ट कहाँ कब से आया, 1965 के बाद में, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो अब अगर हम ध्यान से देखें ये है मॉडर्न फार्मिंग। ये देखिए आप थ्रेशर यूज हो रहे हैं, ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस पिक्चर शोज द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कौन लेकर आया, इस कंसेप्ट को सबसे पहले बताया गया नॉर्मन एर्नेस्ट बुलरोक। अब ये है कौन, ये एक US के साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। लेकिन हमको पढ़ना है, आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज द पर्सन नॉर्मन बुलरोक, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन हमको बात करनी है इंडिया की, सो हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन। प्राइम मिनिस्टर कौन था, मिसेस इंदिरा गांधी एट दैट टाइम। अब मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आप खुद पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मतलब जो नेचुरल तरीके से फार्मिंग की जाती है, जो काफ़ी टाइम पहले ओल्ड एज में की जाती थी विदाउट एनी एड ऑफ मशीनरी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स। मॉडर्न में क्या हो रहा है कि मॉडर्न में हम मशीनरी, फर्टिलाइजर्स ये यूज़ कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन फास्ट हो। तो दोनों के बीच में प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स हैं, वाइसेस एंड वर्च्यूज हैं। अब अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन स्लो होता है, मानसून पर हम लोग डिपेंड हैं और साथ साथ में फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो मेंटेन रहती है, एक प्लस पॉइंट है। वहीं फर्टिलिटी डाउन हो जाती है जब हम एक्सेस यूज करते हैं मॉडर्न फार्मिंग में फर्टिलाइजर का, केमिकल का। अब ग्रीन रेवोल्यूशन पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, प्रोडक्शन ग्रो हो गया, फूड ग्रीन सबको मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी, हर गरीब से गरीब इंसान को हम फूड प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उसके बाद में प्राइस कम हो गया तो एक गरीब इंसान भी फूड को अफोर्ड कर पा रहा है। देन हंगर और पॉवर्टी, गरीबी और भूख, उसको रिड्यूस कर दिया गया। फार्मर की इनकम ग्रो हो गई तो वो भी खुश था, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई। अब नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल में से पानी देना पड़ रहा था जिसके वजह से ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो रिड्यूस हो गया और कहीं कहीं जगह पर पानी पूरा ही सूख गया। देन केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हुआ कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो तो डाउन हुई, साथ साथ में सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन भी बढ़ गया। तो कुछ ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट्स थे। विल द लैंड सस्टेन, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर, हाउ द लैंड कैन बी सस्टेन, उसको किस तरीके से हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आगे हम बात करें हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालनपुर, टोटल फैमिली कितनी है, 450 फैमिली है, उसमें से 150 फैमिली ऐसी है जिनके पास लैंड ही नहीं है, बच गए 300, ठीक है। 300 में से 240 जो फैमिलीज हैं उनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, बहुत छोटी छोटी ज़मीन है, और जो बाकी रिमेनिंग है वो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो प्रॉब्लम क्या है ये देख लीजिए आप, ये बहुत ही छोटी छोटी ज़मीन है, ये बिल्कुल ही नाव के बराबर ज़मीन है, क्या ये फार्मर सस्टेन कर पाएगा इसमें, मेरे को नहीं लगता। आप देख सकते हैं बड़े बड़े फार्म्स जो हैं ये किसके लिए हैं, जो बड़े जो फार्मर्स हैं वो ये लेके बैठे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड, दिस वन। अब हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है, मजदूरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्मॉल फार्मर्स एंड दोज फार्मर्स हु आर फ्रॉम द लोअर कैटेगरी, लोअर कास्ट, जिनके पास लैंड नहीं है, तो अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग द लेबर। While laborers are poor, obviously they are paid less and they are not having land to maintain and to have a good income.
देन कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग. कैपिटल क्या क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, छोटे फार्मर के पास पैसा नहीं होता, बड़े फार्मर के पास ऑलरेडी प्रोडक्शन करते हुए पैसा होता है, सो दे आर हैविंग मोर इनकम सोर्सेस. अब लास्ट में अगर हम बात करें सेल ऑफ द फार्म, सरप्लस किसके पास ज्यादा होगा? जो ऑब्वियसली द रिच फार्मर विल अर्न मोर मनी एंड स्मॉल विल थ्राइव फॉर द सस्टेनेबिलिटी. सो देर आर मेनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. अभी तक हमने फार्मिंग एक्टिविटीज देखी है, अब है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले है डेयरी फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है वो अब हम डिस्कस करेंगे. देन शॉपकीपिंग, मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको शॉपकीपिंग ही कहते हैं. देन ट्रांसपोर्टेशन, जो फैसिलिटीज देते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड्स बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक दिस. डेयरी फार्मिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये रहा डेयरी फार्मिंग, ठीक है. देन सेकेंड स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे पॉट मेकिंग हो गया, थ्रेड मेकिंग हो गया, कुछ इसके एग्जाम्पल ये हैं, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट नहीं करते लेकिन करते हैं और विलेज लेवल पर यही सक्सेसफुल है. देन शॉपकीपिंग, दो तरह की शॉपकीपर्स हैं पालनपुर के अंदर. फर्स्ट इज ग्रोसरी, सेकेंड इज मेडिकल शॉप लाइक दिस. ये आपका ग्रोसरी, ये है आपका मेडिकल शॉप. देन ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या है देखो, गांव के अंदर ट्रैक्टर जीप आज भी यूज होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन. शहर से गांव की तरफ लोगों को लेके आते हैं, गांव से शहर की तरफ लोगों को छोड़ते हैं और यही सर्विस के लिए वो पैसा लेते हैं. सो इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम. तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से. अभी भी काफ़ी गाँव में, अभी भी आपके साइड में अगर आप ऑब्जर्व करें इन योर एनवायरमेंट, यू कैन ऑब्वियसली ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज. ये जो फ्लो चार्ट है ये पूरा सम अप है आपके चैप्टर का. अगर आपको एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो वापस उसको रिवाइज करना है तो सिर्फ इसको देख लो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फ्लो चार्ट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, हेयर वी एंड द चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.